बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का बना क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान रेमल का रूप ले चुका है और पश्चिम बंगाल के तटों पर टकरा भी चुका है। पश्चिम बंगाल में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है, लेकिन इस तूफान का असर बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। पटना स्थित आईएमडी के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार रेमल तूफान जैसे जैसे स्थल पर आगे की ओर बढ़ेगा कमजोर होता जाएगा। इसका बिहार में कुछ खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। राज्य में केवल पूर्वी और उत्तरी भाग के कुछ जगहों पर हल्की आंधी के साथ हल्की बारिश जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है, लेकिन राजधानी पटना सहित 14 जिलों में हॉट नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिक एसके पटेल ने आगे बताया कि रेमल तूफान का डायरेक्ट असर बिहार में नहीं है। पूर्वा हवा के कारण वातावरण में नमी बढ़ने की वजह से आज बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बारिश होने की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही इन जिलों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। उधर बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय समेत 14 जिलों में हॉट नाइट का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में दिन के साथ रातें भी गर्म रहने वाली हैं। बाकी के जिलों में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान बिहार का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में पछुआ हवा का प्रवाह बढ़ेगा, ऐसे में बिहार के कई इलाकों में लू भी चलेगी और गर्मी से हाल बेहाल रहेगा।